नमस्कार साथियों, कल 30 जनवरी को सुबह 8 बजे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हमारे नेता, जिन्होंने किसानों के 3 बिलों के खिलाफ, पूरे हिंदुस्तान में पहले विधायक हैं जिन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर के किसानों की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। आप सभी से गुजारिश है कि कल 30 जनवरी को सुबह 8 बजे भाई अभय सिंह चौटाला जी चंडीगढ़ से निकलेंगे, उनके साथ अम्बाला और आसपास के जिलों के सभी कार्यकर्ता उनके साथ चलने के लिए किंग फिशर के सामने अम्बाला इकट्ठे हों, और उसके तुरंत बाद अम्बाला से निकल करके कुरुक्षेत्र 9:30 बजे पहुंच जाएंगे। कुरुक्षेत्र फ्लाई ओवर क्रॉस करते ही कुरुक्षेत्र और उसके आसपास के जिलों के कार्यकर्ता वहां उनसे मिलें और उनके साथ काफिले में शामिल हों। उसके बाद भाई अभय सिंह चौटाला जी 10 बजे करनाल पहुँचेंगे, और करनाल और गरुंडा के बीच में जो टोल है उस पर उस एरिया के सभी साथी वहाँ इकट्ठे होंगे, और उसके बाद पानीपत टोल प्लाजा पर 10:30 बजे तक भाई अभय सिंह चौटाला जी पहुँचेंगे। पानीपत और आसपास के सभी साथी वहाँ इकट्ठे हों, और फिर 11 बजे भाई अभय सिंह चौटाला जी का कार्यक्रम है KJP से होते हुए कुंडली गाजियाबाद पलवल हाईवे से होते हुए और यूपी बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। जो साथी GT रोड के हैं उनका तो ये रूट रहेगा, और फिर NH9, पहले जो NH10 होता था रोहतक रोड जो हिसार हाँसी होते हुए और सिरसा तक जाता है, उन सभी साथियों से निवेदन है कि वो बादगढ़ के पास में जो KMP है उस KMP को पकड़े, और वहाँ से आपने नीचे नहीं उतरना है कुंडली की तरफ, आप GT रोड क्रॉस करके फ्लाई ओवर क्रॉस करके मेन रोड पर ही खड़े हों यूपी की तरफ मुंह करके, 11 बजे तक वहां पहुंचने का आपका कार्यक्रम सुनिश्चित करें। और टारगेट दिया है भाई अभय सिंह चौटाला जी ने कि सभी जिलों के कार्यकर्ता कम से कम हर जिले से 150 गाड़ियाँ होनी चाहिए और सारी गाड़ियाँ फुल होनी चाहिए। 15,000 लोगों को लेकर के भाई अभय सिंह चौटाला जी गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचेंगे, ताकि जो सरकार किसानों को दबाने का प्रयास कर रही है उनका हौसला बढ़ाया जा सके। श्री राकेश टिकैत जी के साथ सरकार ने जो ज्यादती करने का काम किया है, हरियाणा का किसान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का किसान गुस्से में है। इसलिए आपसे निवेदन है कि ठीक टाइम पर पहुँच करके और इस काफिले को लंबा बना करके किसानों का हौसला अफजाई करने के लिए भाई अभय सिंह जी जा रहे हैं, उनका साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद।